पेटलावद हादसे के बाद विस्फोटक सामग्रियों के स्टॉक को लेकर शासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने इंदौर में भी पटाखा बाजारों को शिफ्ट करने की कवायदें शुरू कर दी है। पटाखा दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद इंदौर के रानीपुरा में पटाखा कारोबारियों ने अपनी दुकानें भी शिफ्ट करना शुरू कर दी है। झाबुआ के पेटलावद में हुए विस्फोट के बाद इंदौर में जिला प्रशासन ने व्यस्ततम इलाकों से पटाखा दुकानों को शिफ्ट करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। पटाखा दुकानों के लाइसेंस निरस्त होने के बाद शनिवार से ही इंदौर शहर के रानीपुरा में पटाखा कारोबारियों ने अपनी दुकानें शिफ्ट करना शुरू कर दी है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन के निर्देश के बाद अपनी सहमति दी है और पटाखा दुकानों को बगैर किसी विवाद के शिफ्ट किया जा रहा है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, परेशानी गवर्नमेंट को लगती होगी तो लगती होगी, हम कलेक्टर साहब के साथ है, जैसा वो बोलेंगे वैसा कर लेंगे। आश्वासन दिया सिटी के बाहर जाओ चले जाएंगे। स्टैंड ये रहेगा कि जैसे कलेक्टर साहब ने से हमने दो तीन जगह पर हमने अलॉटमेंट के लिए कहा है, उसकी कार्रवाई एसोसिएशन की तरफ से चालू है, आवेदन लग जाएंगे, उस हिसाब से कलेक्टर साहब से हमें टेम्प्रेरी लाइसेंस मिल जाएंगे जहां हमारी शॉप्स वगैरह लग जाएंगी, वहां से फिर सामान्य तरीके से हमारा व्यापार चालू हो जाएगा और इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर आएँ, बुकिंग करें, हिंदुओं का पर्व है, अच्छे से मनेगा, प्रशासन की मदद हो रही है ये, और कोई प्रॉब्लम। कलेक्टर पी नरहरी के मुताबिक पटाखा कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और समय पर दुकानें शिफ्ट नहीं किए जाने पर सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। रानीपुरा, नवलखा और राव के सभी व्यवसायियों का, पटाखा व्यवसायियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। कल शाम तक हमने उनको नए स्थान अस्थायी रूप से जो निर्मित किया जा रहा है वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हमने मोहलत दी है। कल शाम तक अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम बलपूर्वक उन सभी ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद कराएंगे अथवा सील कराएंगे अथवा वहाँ से मटेरियल को हम निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएँगे। दो स्थान निर्धारित हुए हैं अस्थायी तौर पर उनको शिफ्ट करने के लिए। राव के लिए राव के व्यवसायियों ने मिलकर एक स्थान चिन्हित करके हमें बताया है। रानीपुरा और नलका के प्रतिष्ठान जो हैं उनके व्यवसायियों के द्वारा कल जो स्थान निर्धारित किया उसको परिवर्तित करते हुए अब नए स्थान की मांग की जा रही है। हमने SDM को निर्देशित किया है कि उनके साथ में जाके मौका देख के तत्काल व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। शहर के रानीपुरा क्षेत्र के अलावा नवलखा में भी पटाखा कारोबारियों ने अपनी दुकानें शिफ्ट करना शुरू कर दी है, जिन्हें प्रशासन राव में जगह देने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।